चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा, बोला कि क्या आपके विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। एक बार फिर से, क्या आपके विद्यालय, विद्यालय माने स्कूल, विद्यालय में यौन शिक्षा, यौन शिक्षा का मतलब होता है सेक्स से संबंधित एजुकेशन, यानी कि संभोग से संबंधित शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। अब बताइए, बात पूछने वाला है कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है। हाँ आवश्यक है, आवश्यक है, हाँ तो क्यों, क्यों हम बताते हैं आवश्यक है। पहला यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा पहला पॉइंट क्यों आवश्यक है। पहला आपको पता है कि बच्चा, जैसे लड़का जो होता है 14 साल 15 साल के एज में प्रवेश करता है, या लड़की 12 13 साल में प्रवेश करता है, तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के चेंजेस यानी परिवर्तन आना शुरू होता है। परिवर्तन आना शुरू होता है तो मतलब होता है कि महिला में स्तन ग्रंथि का विकास होता है, मानसिक धर्म शुरू हो जाता है, त्वचा तैलीय हो जाता है, आवाज पतला होता है, ये सब सिम्टम्स जनरेट होने लगता है। वैसे पूछ में दाढ़ी मूछ निकल आता है, जनन अंग के नजदीक बाल निकल आता है। आप हर बात समझ रहे हैं कि शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पुरुष पापा बनने के लायक हो जाता है और महिला जो है माँ बनने के लायक हो जाती है। एक मतलब कि इस अवस्था में अगर वो संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट करेगा तो वो पक्का संतान जन्म देने में हेल्प करेगा, यानी कि सहायक होगा। एक लाइन में मतलब हो गया कि अगर इस स्थिति में पुरुष जैसे पहुंच गया है किशोरावस्था में, अब वो संभोग करेगा तो संतान को जन्म देने में सक्षम है, वैसे महिला जैसे किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया है तो वो भी प्रजनन के माध्यम से संतान को जन्म देने में सक्षम है। तो बोल रहा है कि यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है स्कूल में, स्कूल में इस आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा पुरुष यानी कि लड़का और लड़की, पहला पॉइंट में यहाँ पर देखिएगा लड़का एवं पुंजी बताइए लड़की, लड़का एवं पुंजी बताइए लड़की के किशोरावस्था में, किशोरावस्था में शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के कौन से होता है बताइए, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है। इस परिवर्तन आप लिखते जाइएगा, हम टोटल बात यहाँ पर लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा जी। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को समझने के लिए यौन शिक्षा आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, अगर यौन शिक्षा नहीं दिया जाता है और उसमें फर्स्ट टाइम जब स्पर्म बनता है और नाइट फॉल होता है, यानी कि सपना में उनका स्पर्म डिलीट हो गया है, डिलीट होने का मतलब स्पर्म बाहर निकल गया है उनके बताइए पेनिस से, उनको लगता है अचानक क्या हो गया है, पता नहीं कौन रोग हो गया है। कि वैसी है लड़की में जब पहली बार मानसिक धर्म होता है तो भी घबरा जाती है, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार बताइए ये सब होता है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस सब समस्या से बच सके उनको पहले से पता हो कि ऐसा ऐसा सिम्टम्स होगा, ऐसा ऐसा बात होगा, तो बेचारी या बेचारा घबराने से बचेगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो मानसिक धर्म से फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होता है तो उनको अजीब लगता है बात ठीक नहीं है। अब बताइए लड़का एवं लड़की किशोर अवस्था में पहुंचता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को समझने के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है। आप इस बात को लिखिए, हमें टोटल बात को लिखे नहीं। दूसरा बात यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या होगा, अगर यौन शिक्षा मिला रहेगा विद्यालय में यानी कि स्कूल में यौन शिक्षा अगर दिए हैं तो पहले से उनको पता है, कम परिवार सुखी परिवार, एक बार फिर से बोलते हैं पहले से ही उनको पता है कि कम परिवार सुखी परिवार। नहीं तो बताओ कम परिवार सुखी परिवार ये बात पते नहीं है उनको, उनको बाद में पता चलता है जब 10-12 हो जाता है तब, तो ओकर मतलब भी रहा नहीं। तो कम परिवार सुखी परिवार का महत्व स्कूल में ही सीख लेगा तो वो जा करके आगे उसका अप्लाई करेगा, यानी कि बताइए कम परिवार एवं सुखी परिवार के महत्व को समझेगा, के महत्व को क्या करेगा बताइए समझेगा, के महत्व को कौन सी करेगा बताइए समझेगा। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है बताइए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर स्कूल में यौन शिक्षा दिया जाएगा, आपको पता है स्कूल की बात कर रहे हैं विद्यालय, और स्कूल में सब होता है युवा और युवती यानी कि लड़का और लड़की, बहुत ज़्यादा जो होता है मैरिज होता, सॉरी मैरिज नहीं होता है यानी कि शादीशुदा होता नहीं है,
और इन सब का दिमाग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन अट्रैक्शन मतलब आकर्षित होते रहता है, यानी लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़का के प्रति। अगर मान लेते हैं कुछ कुछ हो गया दोनों के बीच और इनको इन शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है उसको यौन संचारित रोग हो जाए, रोग या ना हो लेकिन हो सकता है कि गर्भधारण न करना चाहे तब पर भी गर्भधारण हो गया, यानी कि समस्या जनरेट हो सकता है। अगर यौन शिक्षा उनको पहले से दिया जाएगा तो इस सब क्या होगा समस्या से बचेगा, यानी कि अगर यौन शिक्षा दिया जाए तो अपने बताइए जल्दी से यौन संचारित रोग, यौन संचारित होकर बताइए रोग से क्या करेगा, रोग से बचेगा। अगर खुदा न खास्ते भगवान नहीं करे लेकिन हो गया है तो उसका इलाज तुरंत करवा लेगा, इलाज बताइए करवाएगा, इलाज करवाएगा। और क्या हो सकता है समस्या के बारे में पहले से जागरूक होगा तो ज्यादा टेंशन तनाव नहीं लेगा, नहीं तो टेंशन तनाव हो सकता है। दूसरा बताइए, तीसरा चौथा क्या हो सकता है, गलत धारणाओं से बचेगा, गलत धारणाओं से क्या करेगा बचेगा, गलत धारणाओं से बचेगा। तो मतलब की होता है जैसे अभी देखिएगा, गलत धारणाओं से मतलब क्या होता है, जैसे आप एक मूवी देखेंगे ओ माई गॉड टू, मूवी कौन सा देखे हैं ओ माई गॉड टू, ओकरा में की दिखाया गया है कि एगो लड़का है उसकी एगो गर्लफ्रेंड है और इस लड़का को कोई ऐसे समझाया है कि तुम्हारा जो है पेनिस का आकार छोटा है इसी कारण से तुम्हारी मैडम या गर्लफ्रेंड छोड़ करके भाग गया। तो इनको लगा कि बढ़ेगा कैसे, तो मास्टरबेशन के माध्यम से। मास्टरबेशन क्या होता है, वह स्थिति जिसमें पुरुष बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग करके अपनी इच्छा से अपने स्पर्म को शरीर से बाहर निकालना कुंज कहलाता है मास्टरबेशन। एक बार फिर से बोलते हैं, वह स्थिति जिसमें पुरुष बिना सेक्स किए सेक्स के जैसा फील कर अपने स्पर्म को शरीर से बाहर निकालता है इसको बोलते हैं मास्टरबेशन। इस लड़का को लगने लगता है कि मास्टरबेशन करेंगे तब जाकर के पेनिस का आकार धीरे धीरे क्या होगा बड़ा, अलग अलग बताइए मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया, दूसरा दवाई लेना शुरू कर दिया और दवाई उवाई लेने से भी ये सब होता नहीं है। दूसरा अभी तो देखिएगा प्रचार, प्रचार अभी बहुत ज्यादा होता है, प्रचार में की दिखाया जाता है लड़का अगर ऐसा वाला बताइए परफ्यूम लगाएगा तो लड़की बताइए इसको लड़की मिल जाएगा, ऐसा वाला से मुंह धोएगा तो लड़की मिलेगा और ऐसा वाला लगा देगा तो लड़की मिलेगा, यानी कि लड़का को कुछ बोल दो कि लड़की मिलेगा लड़का आराम से उसको कर लेगा। जैसे लड़का को बोल दो कि ये जंतर लेगा तो तुमको लड़की मिलेगा, वो जंतर खरीद लेगा। अभी एड भी तो आता है यूट्यूब पर डेली कि 10 रुपया में मनचाहा प्यार पाए, खोया हुआ प्यार पाए, वापस पाए, ऐसा सब होता नहीं। वैसे सेम लड़की के लिए ऐसा मतलब लगाएगी लड़का पागल, ऐसा मतलब लगाएगा तो लड़का घायल, ऐसा मतलब पहनेगा तो लड़का बेहोश, मतलब ऐसा ऐसा ऐड अभी छापा जाता है। इस सब भ्रांति से क्या करेगा बचेगा, गलत धारणाओं से बचेगा, पहले से उनको नॉलेज होगा तब, और नहीं बचेगा तब तो समझ ही रहा है कि हो रहा है। तो गलत धारणाओं से क्या होगा बचेगा, यानी कि टेबलेट ये सब जो होता है ठीक बात नहीं। अगला क्या हो सकता है बताइए, गर्भ निरोधक के प्रयोग को समझेगा, गर्भ निरोधक के कुछ बताइए प्रयोग, गर्भ होकर बाद के लिखे बताइए निरोधक के लिखे बताइए प्रयोग को आराम से समझ सकता है, प्रयोग को कुछ करेगा बता दूं समझेगा, समझे होकर बता दूंगा। गर्भ निरोधक को प्रयोग के समझेगा मतलब कुछ ही, अगर ये मान लेते हैं कि मैरिज किया यानी कि विवाह किया शादी किया तो हो सकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चा के बीच में गैप चाहिए उनको 2-3 साल, तो वो बताइए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कॉन्डोम सब का उपयोग करेगा, या मान लेते हैं किसी के साथ रिलेशन में आ गया तो उस टाइम भी कॉन्डोम का यूज कर सकता है, यानी कि गर्भ निरोधक का प्रयोग या किसी अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बना रहा है इनको पहले से पता होगा कि रोग हो सकता है सेक्स से संबंधित, इसलिए कॉन्डोम का यूज करना चाहिए। पता रहेगा तब न करेगा, नहीं पता रहेगा तलवा करेगा, तो पहले से पता होगा। और क्या हो सकता है गर्भ निरोधक के प्रयोग को समझेगा, अगला बताइए वैवाहिक जीवन के लिए परिपक्व होगा, वैवाहिक ऊपर बताइए जीवन के लिए कुछ होगा बताइए परी ऊपर बताइए पक्व ऊपर बताइए होगा, एक मतलब कुछ हो गया है वैवाहिक जीवन के लिए परिपक्व होगा, एक मतलब हो गया परिपक्व माने मैच्योर, परिपक्व माने होता है मैच्योर। वैवाहिक जीवन के लिए परिपक्व होने का मतलब है मित्रों कि कम उम्र में अगर इसका मैरिज होगा तो मैरिज का विरोध करेगा, क्योंकि इनको पता होता है कि
कम उम्र में मैरिज कर ले, जनन अंग परिपक्व है न, जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित है न, जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अगर बताइए संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट करेगा तो इनको विभिन्न प्रकार के रोग हो सकता है, इसलिए ये पहले से प्रिपेयर रहेगा कि बाल विवाह तो करेंगे नहीं, दूसरा अगर विवाह होगा तो होने के बाद कोशिश करेंगे 2-3 साल 4 साल संतान नहीं हो, नहीं तो अभी मैरिज हुआ इस साल अगला साल एगो, अगला साल फिर से एगो, अगला साल फिर से एगो, अगला साल फिर से एगो, 3-4 साल में 3-4 हो जाता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कभी कभी बच्चा जन्म देने के दौरान महिला की मृत्यु भी हो जाती है, पुरुष को कुंची जाता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए कुंच होगा बताइए, परिपक्व होगा और सुखी परिवार के लिए बताइए रेडी होगा। आगे क्या हो सकता है बताइए, आने वाली पीढ़ी को समझेगा, आने वाली ऊपर बात कुछ बताइए पीढ़ी को क्या करेगा बताइए समझेगा, आने वाली पीढ़ी को क्या करेगा बताइए समझेगा, हमें समझेगा गलत लिख दिए हैं, समझे ऊपर बताइए गा, आने वाली पीढ़ी को समझेगा का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं अभी देखिएगा, अगर मान लेते हैं घर में शिक्षित परिवार नहीं है, एक बार फिर से बोलते हैं घर में शिक्षित परिवार नहीं है, यानी कि शिक्षित परिवार नहीं है तो बताइए क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसका लड़की किसी भी लड़का के साथ अफेयर में आ गया है, इनको दिमाग में चलता है इज्जत का बात है, ओनर किलिंग करता है, ओनर किलिंग का मतलब होता है कि अपने बच्चे को अपने से मार देना या किसी लगवा करके मरवा देना, या बताइए दूसरा लड़का को ही मार देना किसी कारण से, सॉरी बोले कि किसी कारण से उसको क्या करना मार देना, कब जब इनकी लड़की किसी के साथ अफेयर में आया है तब, और वैसे सेम टू सेम लड़का किसी के साथ अफेयर में आया है, बताइए दोनों कंडीशन में क्या होगा, लड़का भी टेंशन में रहता है लड़की भी टेंशन में रहता है, अगर गार्जियन समझदार होगा अपन बच्चा के मनोदशा को समझेगा कि बेचारा अभी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के उम्र में है और इस उम्र में दिमाग में विभिन्न प्रकार के हलचल चलता है, लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्शन होता है, बहुत तेज होता है, इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, बच्चा को समझाएगा बुझाएगा बढ़िया से रखेगा, अगर मान लीजिए गार्जियन समझदार नहीं है, बच्चा का ब्रेकअप हो गया है, वो तनाव में है, ऊपर से ही बोल रहा है कोरिया तुरा ये होतो वो होतो, डिप्रेशन में पहले से ओकर गार्जियनों का डिप्रेशन में धकेल दे रहा है, बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट ले लेता है, यानी कि अपन आत्महत्या भी कर लेता है, अगर गार्जियन समझदार नहीं होता है तब, वही बताइए दूसरा धमकियों दे देता है कि जय भी तो आप रसातल में, अगर गार्जियन समझदार होगा सब चीज़ समझेगा आराम से बेटा बोलेगा कोई बात नहीं है बेटा तोहर बाप तोहर पीछा में है, वही कोई बात नहीं है बेटी तोहर बाप पीछे है, ये भी हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या करेगा समझेगा, आराम से समझेगा, धूमधाम से समझेगा, बेटा बेटी पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो ओनर किलिंग किया जाता है, अपने बच्चे को मार दिया जाता है, जबकि गार्जियन को खुद समझना चाहिए कि उनके होने से ही अपनी दुनिया वैसी है ऐसी है जैसी अभी लग रही है, वो नहीं रहेगा तो फिर बताइए जिसको नहीं है उनसे पूछो, है तो तू मार दे रहा छोटका गलती में, जबकि वो उम्र में वो भी वही कर रहा है जो एक बच्चा कर रहा है, यहाँ पर देखेगा तो वैवाहिक जीवन के लिए कुछ होगा बताइए परिपक्व होगा, आने वाली पीढ़ी को क्या करेगा बताइए समझेगा, हमें एक बार फिर से बोलते हैं लड़का एवं लड़की किशोरावस्था के शरीर में परिवर्तन को समझ पाएगा, कम परिवार सुखी परिवार के महत्व को समझेगा, यौन संचारित रोग से बचेगा, गलत धारणाओं से बचेगा, गर्भ निरोधक के प्रयोग को समझेगा, वैवाहिक जीवन के लिए परिपक्व होगा, आने वाली पीढ़ी को ईजी में क्या कर सकता है समझ सकता है। आगे देखते हैं अगला कुछ हो सकता है बताइए, अगर मान लेते हैं बोझपन, बोझपन से संबंधित समस्या है, से संबंधित होकर बात कुछ बताइए समस्या, अगर मान लेते हैं ये लड़का और लड़की मैरिज किया और किसी वजह से इनको संतान नहीं हो रहा है तो ये आराम से बोझपन का इलाज करवाएगा और बोझपन से संबंधित समस्या से क्या करेगा छुटकारा पाएगा, और अगर ना होती अलग अलग उपाय अपना सकता है, सेरोगेसी अपना सकता है, सेरोगेसी और दूसरा बताइए कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन, सेरोगेसी, युग्मक अंतः युग्मक स्थानांतरण, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये सब तकनीक का सहारा ले सकता है, अगर ये समझदार है, इनको इतना अमाउंट नहीं है कि सेरोगेसी करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, कि अनाथालय से जा करके बच्चा को गोद भी ले सकता है, अगर बच्चा इनको नहीं हो रहा है तो बच्चा को आराम से गोद ले सकता है, लेकिन समझदार होगा तब, नहीं तो अपने से बोलेगा अपन बच्चा अपन होता है
दूसरे का बच्चा दूसरे जैसा होता है, समझदार नहीं होगा तब। हमरा लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। हाँ आवश्यक है, क्यों, इन सब रीजन से यौन शिक्षा कौन चीज है बताइए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चार नंबर, चार नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा चार नंबर में की क्वेश्चन बोल रहा है बताइए। चार नंबर में बोल रहा है कि क्या आप मानते हैं कि, यहाँ पर पढ़िए, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्ष यानी कि पिछले 50 वर्ष के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र का कुछ कीजिए वर्णन, यानी कि कुछ क्षेत्र का जिक्र कीजिए कि किस किस क्षेत्र में सुधार हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, कौन क्षेत्र में बताइए जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बोल रहा है कि अगर सुधार हुआ है तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र का कुंजी कीजिए वर्णन कीजिए, कुछ क्षेत्र का वर्णन कीजिए। हमें करते हैं वर्णन, यहाँ पर देखिएगा सुधार हुआ है कौन कौन क्षेत्र में सुधार हुआ है, इस सब क्षेत्र में सुधार हुआ है। पहला तो यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या बताइए, जनसंख्या ऊपर बताइए नियंत्रण, नियंत्रण के लिए कौन सा बताइए नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय, विभिन्न ऊपर बताइए उपाय में कौन सा हुआ बताइए वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ है, कौन कौन से उपाय में वृद्धि हुआ है अपने बताइए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगा, इस समस्या से बचने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना है, नियंत्रित तो हो नहीं रहा है, भारत की स्थिति दूसरे है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि नियंत्रित हो, लेकिन की करेगा नियंत्रित बताइए। विभिन्न उपाय में वृद्धि हुआ है, जैसे बताइए हम दो हमारे दो के नारा को बढ़ावा दिया गया है, कम परिवार के महत्व को समझाया गया है, और बताया गया है कि अगर कम परिवार होगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी कुछ होगा कम होगा, स्कूल में समझाया जा रहा है, अब बताइए आपके आंगनबाड़ी में इस सब में भी समझाया जा रहा है कि महिला कम से कम संतान जनरेट करे, यानी कि पुरुष महिला दोनों को समझाया जा रहा है। दूसरा बता रहा है कि अगर तोहर मन है कि कुछ कुछ हो, यानी कि नर और मादा दोनों आकर संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट करे, तो फ्री में उसको कंडोम दिया जाता है, मुफ्त में कंडोम बांटा जाता है ताकि गर्भधारण न हो, बच्चा पैदा न हो। अगला यहाँ पर देखिएगा तो बताइए जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपाय में कुछ हुआ है बताइए वृद्धि हुआ है। दूसरा बताइए बताइए शिशु मृत्यु दर, शिशु उग्रवाद के लिखे बता दो मृत्यु उग्रवाद कुछ लिखे हैं दर, और बताइए कुछ बोले हैं मातृ मृत्यु दर, मातृ उग्रवाद के लिखे बता दो मृत्यु दर में कुछ हुआ बता दो कमी हुआ है, कमी उग्रवाद बताइए हुआ है, यानी कि पहले संतान जनरेट होता था तो 10-4 को संतान जनरेट हुआ तो 2 को खत्म, 10 को संतान जनरेट हुआ तो 4 को खत्म, यानी कि संतानों मरता था, उग्रवाद बताइए साथ साथ ओकर मम्मी भी मरती थी। तो अब कौन चीज है बताइए शिशु मृत्यु दर में कमी हुआ है, और बताइए मातृ मृत्यु दर में कमी हुआ है, यानी कि बच्चा भी कम मर रहा है और बताइए बच्चा की मम्मी भी कम मर रही है। और अगला की हो सकता है बताइए यौन संचारित रोग में कमी, यौन संचारित ऊपर बताइए रोग में कमी, यौन संचारित रोग में कमी, यौन संचारित रोग में कमी का मतलब होता है कि वैसे रोग जो सेक्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग में कमी भी क्या हुआ बताइए घटा है। एक मतलब कि पहले यौन संचारित रोग बहुत ज्यादा होता था, जैसे कुत्ता बिल्ली में भी देखेगा एकरा में थोड़े ही कंडोम यूज करता है, और कुत्ता को थोड़े पता है कि एक वो कर दिए तो दूसरे तो नहीं करेंगे, कर लेता है बेचारा, उनको रोग हो जाता है यौन संचारित रोग कुत्ता में भी। अभी बताइए मानव जानकार व्यक्ति है तो इनको यौन संचारित रोग बहुत कम होता है, यौन संचारित रोग में भी कमी हुआ है। अगला हो सकता है बताइए अस्पतालों में कौन सी बोले हैं अस्पतालों, ऊपर बात कौन सी लिखे हैं में अस्पतालों में मुफ्त इलाज और प्रसव, मुफ्त ऊपर बात कौन सी लिखे बता दो इलाज, इलाज एवं कौन सी बताइए प्रसव कराया जाता है, कराया ऊपर बताइए जाता है। सबके पास सब एरिया में अपन अपने एगो ब्लॉक होता है जहाँ पर अगर महिला को कोनो प्रॉब्लम हो गया है तुरंत महिला को लेकर के भागा जाता है किसके पास बताइए, वो है अस्पताल में जहाँ पर नर्स उसका इलाज करती है और बताइए फ्री में उनका कौन सी करती है बताइए प्रसव, प्रसव का मतलब है डिलीवरी करवाती है, और कुछ कुछ अमाउंट भी अभी सरकार आजकल दे रहा है। अगला चीज हो सकता है बताइए जल्दी से गर्भवती महिला के
गर्भवती ओकर बताइए महिला के, महिला के भोजन और ओकर बताइए देख रेख में वृद्धि। देख रेख में कौन चीज लिखिए बताइए वृद्धि, यानी कि गर्भवती महिला को इज्जत दिया जाता है, बढ़िया से इज्जत दिया जाता है, बढ़िया से खिलाया पिलाया जाता है, बोलता है कि आप बैठे रहिए सब काम घर का कोई और कर लेगा, मतलब कि ये सब बताइए धीरे धीरे क्या हुआ बताइए प्रोग्रेस किया है। दूसरा और क्या हो सकता है बताइए, गर्भवती महिला अगर बच्चे को जन्म दे दिया है तो बच्चे एवं कुछ बताइए माता, माता की कुछ बताइए देखभाल में वृद्धि, देखभाल में कुछ बताइए वृद्धि, यानी कि बच्चे की भी देखरेख ठीक से किया जाएगा, माता के भी देखभाल ठीक से किया जाएगा। ठीक से करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि खाना पीना ठीक से दिया जाएगा। और क्या हुआ है बताइए, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि ओकर बताइए दर में ओकर बताइए कमी, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले विरोधाभास में नहीं आइएगा कि आप तो बताए थे जनसंख्या विस्फोट में कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। अरे तेजी से बढ़ रहा है सही बात है, जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ हो रहा है कमी, ऐसे समझिए। मान लेते हैं पहले मान लेते हैं कि 10 को व्यक्ति था और 10 को व्यक्ति था तो बताइए सॉरी मान लेते हैं 1 व्यक्ति था और 1 व्यक्ति कितने संतान को जन्म रहा था 10 गो, कितने दे रहा था बताइए 10 गो, तो 10 गो व्यक्ति 1 व्यक्ति 10 गो संतान जन्म दे रहा था, एक मतलब कितने बताइए वृद्धि रेट है बहुत ज्यादा। अगर 10 गो व्यक्ति हो गया संतान कितने जन्म देना चाहिए 10 दही के 100, लेकिन 10 गो मिल करके दे रहा है 90, एक मतलब जनसंख्या वृद्धि दर तो घट न गया है जी, जबकि 10 गो को मिल करके देना चाहिए 100 गो व्यक्ति बच्चा को जन्म, लेकिन 10 गो मिल करके दे रहा है कितना बताइए 90। जनसंख्या तो बढ़ा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर जो 100 होना चाहिए वो 90 हुआ है, एक मतलब घटा है। तो वही बताइए जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ हुआ बताइए कमी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किया जा रहा है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी और क्या हुआ है बताइए, यौन संचारित रोग में कमी, अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्रसव कराया जाता है, गर्भवती महिला के भोजन देख रेख इत्यादि में वृद्धि। अगला एक बात लिख लीजिए कि जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी गैर सरकारी ये सब संस्थाएं काम कर रहा है, हमारा जैसा मास्टर विश्वविद्यालय में पढ़ाता है तो विस्तार से पढ़ाया जाता है, हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं, एक हमारा छोटका संस्थान है ओकरे में पढ़ाते हैं, छोटका छोटका बच्चा छोटका छोटका सरजी ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तो बताइए आप क्या क्या बोले हैं अभी बताइए, जागरूकता कुछ बताइए जागरूकता, जागरूकता में कुछ बताइए वृद्धि, जागरूकता में कुछ बताइए वृद्धि हुआ है, यौन संबंधित शिक्षा में जागरूकता में वृद्धि हुआ है, यानी कि अब बताइए अब हर परिवार समझ रहा है कि कम परिवार सुखी परिवार होता है, बहुत ज्यादा बच्चा सुरक्षित नहीं होता है यानी कि ठीक नहीं होता, नहीं तो दूसरों आकर बोलता है कि तोर के भाई बहन है बोलते कोई कि 14 गो है तो बताइए ठीक नहीं लगेगा। पहले ये होता था जैसे भीमराव अम्बेडकर जी कितने भाई बहन थे 14 गो, वैसे आप बताइए शाहजहां ये सबके भी संतान बहुत ज्यादा होता था, महात्मा गांधी के पापा 4 गो शादी किया था 4 गो, चौथा शादी महात्मा गांधी के पिताजी किया था 48 साल में, गड़बड़ बोल दिए कि हाँ वह साल में किया होगा। दूसरा बताइए सही बोले चौथी पत्नी से हुआ है कि महात्मा गांधी, 3 भाई था ये, चलिए कोई बात नहीं।